ब्रांड न्यू BMW गाइस। ये हमारा किचन पार्ट है और ये हमारा दूसरा रूम है और 2 करोड़ का टाइल्स लगाया है। आ जाओ अंदर। 3 करोड़ का पाइप लगाया हुआ है जहाँ एंट्रेंस से आते हैं ऐसा। हे गाइस, वेलकम टू माय हाउस टूर। सो हे एवरीवन, फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फाइनली वेलकम टू अ ब्रांड न्यू होम टू। आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ अपने घर। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट तो नहीं था बट मैंने ही खुद सोचा चलो आज दिखा देते अपना होम टूर। सो आपको बताना चाहती हूँ इस घर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स इस पे घुसने से पहले। तो ये जो है गवर्नमेंट क्वार्टर है, इसको हम लोगों ने करीब 25 साल से हम यहाँ बेच रहे। ये जो घर है ना, स्पेशली ये सिर्फ 1-2 लोग के लिए ही था। तो ये घर तो बहुत छोटा है, बस 1-2 ही रूम है। हम लोगों ने आगे पीछे रूम निकाला है थोड़ा कच्चा वाला, ताकि हम लोग कुछ समय तक यहाँ बेच सके। ये हमारा परमानेंट घर नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ परमानेंट घर यहाँ पे नहीं होता है। तो हमारा जो घर है वो आसाम पे, बट यहाँ पे हम लोग रहते। तो आपको आज दिखाऊंगी हमारा होम टूर वीडियो। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियोग्राफर है वो है हमारा मेरा भाई विकास छेत्री। इधर आपको दिखाती हूँ कि आज इस वीडियो में कौन कौन शामिल है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। सबसे पहले भाग्य गया यहाँ पे। तो क्या आप सब रेडी हैं? मेरे पापा तो यहाँ रेडी है। ये देखिए अभी हम लोग ब्रांड न्यू घर दिखाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, बिगिन। तो ये हमारा गेट है, हो गया, जिस पे हम लोगों ने तार ला के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जितना भी लगाओ टूट जाता। तो फाइनली वेलकम टू माय ब्रांड न्यू हाउस, मेरे पापा है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे बरंडा से। बरंडा बरंडा है बरंडा से स्टार्ट करते हैं। तो कम तो यहाँ हमारा तुलसी भगवान जी है, जैसे उसके बाहर है। यहाँ पे मम्मी ने कुछ ये सब तोड़ के रखे हुए है। ये हमारा ब्रांड न्यू BMW गाइस, बाइसाइकिल। बंद करते हैं, बेटर की इसको बंद करके। सबसे पहला ये हमारा किचन है, ये हमारा किचन पार्ट है और इसको हम लोगों ने खुद से ही बनाया है। जस्ट ये है हमारा दूसरा रूम और इसको भी हम लोगों ने खुद से बनाया है, जस्ट टेम्परेरी के लिए बनाया है। उसके बाद देखो मेरा ब्रांड न्यू वॉशरूम जो कि ये है, जहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारा 3 करोड़ का पाइप लगाया हुआ है जहाँ से पानी बह रहा है। देखो तो ये हमारा पाइप है जिसमें पानी बहुत ज्यादा कम आता है आजकल। तो यहाँ इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमारे घर में बहुत सारे मेहमान ऑलरेडी आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कि सब मेरा वीडियो का मतलब वीडियो देखने आए हैं। तो चलो, और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को, ये वीडियो डालने का ये मतलब नहीं कि मुझे शो ऑफ करना है या तो मुझे किसी से सिंपैथी गेन करना है। इट्स नॉट लाइक दिस एंड आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी रियल एंड रो। मतलब आप जैसा है वैसा दिखाओ, फेक मत दिखाओ। मुझे ना ही शो ऑफ करना है ना ही मुझे कोई सिंपैथी चाहिए। इट्स जस्ट लाइक ऐसे ही मतलब दिखा रही हो जस्ट फॉर फन, सो डोंट टेक इट वेरी हार्ड, जस्ट एंजॉय गाइस। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले किचन की ओर। तो ये हमारा ब्रांड न्यू सीढ़ी है जिसमें 2 करोड़ का टाइल्स लगाया है। आ जाओ अंदर। इसके बाद ये हमारा किचन है जहाँ पे लाइट नहीं है भाई। फ्रिज है, आ जाओ। ये हमारा फ्रिज है, थोड़ा इसमें कुछ सामान वगैरह है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा पानी रखने का दो बकेट है। इसके बाद ये हमारा छोटा सा रैक है जिसको हम लोग उस दिन ही लेकर आए थे, ये भी नहीं था, ठीक है। इसके बाद ये हमारा किचन है एंड ये हमारा चूल्हा है, यहाँ पे दिखा रहा, ये हमारा चूल्हा है। तो जब ठंडा मौसम होता है ना तो हम लोग इसमें पकाते हैं। कितना रहा गैस, थोड़ा सा गंदा है गाइस, मतलब थोड़ा ध्यान मत देना, थोड़ा सा गंदा है क्योंकि तो ये हमारा गैस जो थोड़ा सा गंदा है क्योंकि अभी भी हम लोगों ने खाना पकाया है तो अभी तक साफ भी नहीं किया। पर मैं आपको दिखा रहा, आ जाओ। ये हमारा गैस है, इस तरफ ये कुछ सामान है और ये हमारा कुछ खाने पीने का सामान जो कि अभी हम लोग बनाए हैं। तो आ जाओ। तो जैसे कि आपको मैंने किचन दिखाया है वैसे ना ये जो किचन है मतलब ऐसा ही है क्योंकि इसको अभी ज्यादा रिनोवेट भी नहीं कर सकते। ज्यादा अगर पैसा लगाएंगे तो वो वेस्ट होगा क्योंकि हम लोग तो यहाँ से जाएंगे एक दिन, तो फिर इतना सारा वेस्ट क्यों करना है, इसलिए हम लोग इतना करते नहीं। तो अब आपको दिखाती हूँ हमारा सबसे कॉमन रूम। तो वेलकम टू दिस होलसम रूम, आ जाओ। यहाँ पे है सबसे पहले हमारा ये छोटा छोटा चेयर, उसके बाद एक बड़ा सा शोकेस है जिसमें हम लोगों ने
जिसमें हम लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के सामान रखे हुए हैं। हमारा एक टीवी है ओनिडा का, एक्चुअली इसका भी कुछ कहानी है। मतलब जो टीवी है ना जो हम लोग यूज करते हैं वो खराब होके रखा है, उसको बनाने दिए, तो ये हमारा बहुत पुराना टीवी है, तो ये टेम्परेली के लिए चल जाता है। वैसे भी घर में कोई टीवी नहीं देखता है, सब मोबाइल ही देखते हैं। तो ये है, ये हमारा छोटा सा, ये छोटा सा हमारा फैन है, ये एक्चुअली मेरा फैन है, हम मेरे लिए लिया था, पर मेरे तो ये हमारा है सोफा जिसमें लेट के हम टीवी नहीं देखते, जिसमें लेट के हम फोन देखते हैं। अभी एक्चुअल में हमारा जो भैया का शादी हुआ था ना, तो भाभी के घर तरफ से आया था, हम लोगों ने पर्सनली नहीं खरीदा इसे, इसलिए ये नहीं बोल सकते ये मेरा है, ये हमारा है। तो ये हमारे पापा जी वहाँ बैठे हुए हैं, उनको उनको बड़ा मजा आ रहा है मेरा वीडियो में आने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ फोटोज वगैरह है, दिखा सकते फोटो को। इसके बाद यहाँ भाभी लोग है, तो ये छोटा मोटा फोटो हम लोग लगा के रखा है। वो हमारा ब्रांड न्यू 3 करोड़ का पंखा है, ऊपर में 4 करोड़ का पंखा, जो कि ना मंथ में 2 बार तो खराबी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए यह एक छोटा सा रूम है जिसमें हम लोग पूजा भी करते हैं, प्लस यहाँ पे हम लोग सो भी सकते हैं, एक बिस्तर भी है। तो जब मेहमान आते हैं ना तो ये जगह जो बहुत टाइट हो जाता है, घर नहीं जुड़ते, तो हम लोग यहाँ पे सो जाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा रूम है, और जैसे कि आपको दिखाया है, ये मेरे पापा को बहुत मजा आ रहा है यार। तो ये हमारा कॉमन रूम है, ये जो कॉमन रूम है उसके बाद ये एक रूम है, उसके बाद अंदर में पापा मम्मी का बेडरूम है, आपको दिखाती हूँ। अभी जस्ट मम्मी सो के उठी हुई है, तो बिस्तर का हालत थोड़ा सा खराब ही है, फिर भी लेट मी शो यू गाइस, आ जाओ अंदर। तो ये है पापा मम्मी का छोटा सा बेड। एक्चुअल में ये बेड बहुत सफा रहता है, बट मेरे कारण से गंदा रहता है, क्योंकि मैं ही आके इसमें लेटती रहती हूँ टाइम पास ये सब उठा उठा के। तो ये पापा मम्मी का बेड है जहाँ पे मैं ही ज्यादातर रहती हूँ। मम्मी का थोड़ा सा मेकअप का सामान वगैरह है, एक ड्रेसिंग, क्या इसको क्या बोलते हैं, गोदरेज, ये हमारा एक गोदरेज है, और ये गोदरेज भी भाभी की तरफ से आया है, हम लोगों ने नहीं खरीदा है। और ये छोटा सा एक अलमीरा है जो बहुत मेसी है, अभी दिखाऊं मत, ये बहुत मेसी है, थोड़ा दिखाता, बहुत मेसी है, क्योंकि मेसी ना एक्चुअली मैं ही करती हूँ, ठीक है। मेरे मम्मी इसको बहुत साफ से रखती है, जब भी मैं आती हूँ तो इसका हालत कुछ ऐसा, क्योंकि ये सब मेरे ही कपड़े, तो लेट इट बी। इसके वॉशरूम वगैरह ये पीछे का बैकग्राउंड है। क्या अभी यहाँ पे है एक छोटा सा मम्मी का सामान लो की है, यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे एक कॉमन, ये छोटा सा एक स्टोर रूम है जहाँ पे हम लोग चावल वगैरह क्या 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 रखते हैं। ये एक बाथरूम है, मतलब कि इमरजेंसी, रात को जैसे कि बाहर जाने का मन नहीं करता है तो हम लोग अंदर पे ही सुसु वगैरह कर सकते हैं, तो ऐसा है। आ जाओ बाहर आते हैं, बाहर आते वक्त आपको भी ऐसा व्यू दिखेगा, और मेरी मम्मी यहाँ पे दिखा दो, मम्मी यहाँ पे, ये यह हमारी माइजू है, और आपको मैं दिखाती हूँ हमारा, मतलब मेरा ब्रांड न्यू 6 करोड़ का रूम, जिसको मैंने आउट कंट्री से एब्रोड से सामान मंगा के मैंने उससे तैयार किया है, तो आपको दिखाती हूँ, आ जाइए। वेलकम 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 टू माय पर्सनल रूम जिसमें मैं नहीं रहती हूँ, ओके, जस्ट मेरा नाम का रूम है, तो आ जाओ। यहाँ पे कुछ सामान है, दिखा दो, यहाँ पे कुछ कुछ सामान है गाइस, जिसको ना मैं बिल्कुल यूज नहीं करती, जो सामान एक्स्ट्रा होता है स्टोर रूम का, बदले हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो ये है मेरा मास्टर बेड, ये मेरा मास्टर बेड है, ये भी भाभी की तरफ से आया था, हम लोगों ने नहीं लिया था, क्योंकि कोई मेहमान लोग आते तो हम लोग यहीं पे उन लोगों को अच्छे से सुलाते हैं, साफ साफ करके। फिर जब ये रूम मिला रहा था ना, उस वक्त आई थिंक लॉकडाउन चल रहा था, तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं था, कुछ भी सामान नहीं था, हम लोग बस जो मिला उसी से हम लोग को रूम बना दिया। तो ये छोटा सा एक कबर्ड है, ये भी भाभी की तरफ से आया था, ये हम लोगों ने नहीं लिया था, भैया का बेटी है उसका कपड़ा वगैरह है छोटा का। तो फिर यहाँ पे पापा का कुछ कपड़े है, ये सब शर्ट वगैरह, ये सब शर्ट, एक्स्ट्रा शर्ट वगैरह जो पापा मतलब बहुत रेली पहनते हैं। तो ये रहा मेरा रूम, आई होप आप देख लिया होगा। तो निकलते हैं बाहर, तो ये हमारा वरंडा है, ये हमारी माइजू है, माइजू मतलब मामा, मम्मी का जो भैया है उनकी वाइफ, तो मेरी माइजू है। ये हमारा वरंडा है, आप देख रहे होंगे, हमारा एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग एंट्रेंस से आते हैं, ऐसा छोटा सा आपको बगान दिखाते हो जहाँ पे मम्मी बगान करती है, आ जाओ। तो कम ऑन गाइस, ये हमारा एक छोटा सा बगान है, दिखा दो बगान, ये हमारा ग्वाली, गाय का ग्वाली, जहाँ पे मम्मी
जहाँ पे मम्मी है अभी, तो जहाँ पे मम्मी अभी साफ कर रही है, दिखा देना। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती थी, के बाद में बोला मत कि आप तो काम ही नहीं करती, ये मैं भी करती हूँ, मैं बस ग्वाली पे नहीं करती। प्यारे प्यारे चार पांच, तीन चार कौन सा गाय शामा, जहाँ पे हमारा तीन गाय रहता। तो ये है हमारा सब कुछ, यही मेरा रूम है, देखो ऐसा है बाहर। ओके तो फाइनली आपको मैंने दिखा दिया, ये हमारा बगान है, ये मम्मी है, उधर ग्वाली है, और यही सब कुछ है, छोटा मोटा घर। ये मेरा घर है, बहुत प्यारा सा घर है, छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है, दिल से बहुत अपना है। एंड अगर जब मैं यहाँ से जाऊँगी, आई एम गोना मिस दिस प्लेस, मैं भी यही पैदा हुई थी यही घर में, तो या ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग का छोटा सा एक पौंड हुआ करता था, जो पौंड को तोड़ के यहाँ पे अभी रास्ता बना दिया है। तो यहाँ पे बगल बगल घर है आसपास के जगह। तो या गाइस, यही था मेरा आज का ब्रांड न्यू होम टूर। तो आई होप आप लोगों को मेरा घर अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है। और एंड यही था मेरा होम टूर। आई जस्ट होप कि फ्यूचर में मैं और अच्छा कर सकूं, अपने माँ बाप को और अच्छा घर दे सकूं, बहुत अच्छा अच्छा कुछ दे सकूं। तो देखो हमारे पास कोई लग्जरी घर तो है नहीं, कुछ ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शू, ब्रांडेड घर गाड़ी तो है नहीं, लेकिन जो भी है जैसा भी है हम बहुत खुश है। लेकिन हाँ, और चाहिए, ऐसा नहीं कि यही है तो इसे मैं बहुत खुश है, और चाहिए, एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट। जो भी है अभी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बट आई एम वर्किंग फॉर मोर बेटर। तो और अभी के लिए मैं अपने वीडियो यहीं पर रखती हूँ। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा मेरा होम टूर। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, नहीं किया तो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय, लव यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।